नमस्कार, सत श्री अकाल। यू वॉचिंग 1768 में आपका दानिश शर्मा, और आज तारीख है 13 अगस्त 2021, और आज मेरा जो भतीजा है उसका नामकरण है, और उसको पूरे 11 दिन हो गए हैं पैदा हुए हुए, और घर में थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है हवन की, और पंडित जी भी आएंगे, और मेरे जो ताऊ जी है जो बुटिया मतलब शेफ हो सकते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, और किस किस तरह की तैयारियाँ चली हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके, और प्यार और सपोर्ट देते रहिए। फिलहाल मौसम ऐसा है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से नहीं, तो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, लाइक कमेंट्स, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दिया करो, काफ़ी लोग शेयर करते हैं मुझे पता है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, और देखते हैं बैक कैमरा करके किस तरीके की तैयारी चल रही है, किस तरीके की नहीं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जा रहा हूँ मैं घर अंदर रूम में, मोरे भाई साहब अपनी लॉलीपॉप में इन्होंने गेड़ा दिया हुआ है। चलो 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 अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चलो। अभी जो है कमरों की जो है तैयारी हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। सुबह उठी हमारे को सफाई करनी पड़ी, और ये गंजी आई हुई आजकल, गंजी को सब जानते होंगे, ठीक है। और इसको बहाना चाहिए बस यहाँ आने का, बस वो भी हंस रहा है, इसको बहाना चाहिए बस यहाँ आने का मौका चाहिए, और 10-15 दिन रह के जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको बहाना चाहिए, आज नहीं चल जाएगी ना, क्योंकि तूने 15 दिन बाद आना है। मैंने नहीं आना है क्या? अभी ने पैसों में पेला दिया हो गिनने का, और आज मेरा भांजा पूरे 11 दिन का हो गया है, और आज इसका नामकरण है। मम्मी जो है इसकी मालिश कर रहे हैं। ये मेरा भांजा, ये कौन लेके आया जाली इतनी बड़ी? अच्छा वो थी, तब तो बढ़िया हो गया आपको, है ना? तो सबसे बढ़िया आइटम लगी मेरे को ये, ना कीड़े ना मच्छर ना कांटा ना कुछ। क्यों अभी ये पैसे कहाँ से आए हुए है? चोरी किया? अच्छा तो अभी फिलहाल पंडित जी कितने बजे आएंगे? मम्मी मम्मी ये हर बार बोलती कि मैं नहीं आती हूँ, हर दिन 10 दिन बाद पहुंच। मम्मी अटकने आई क्या थी है? मम्मी जीव तू अटकने आती क्या इधर? तो देखते जरा किचन में क्या काम चला हुआ है, क्या बन रहा है आज? कढ़ाई बोले तो कढ़ाई बन रही जी आज, कढ़ाई कढ़ाई बोले तो कढ़ाई, लोग ये सोचेंगे कि कढ़ाई बन रही, कढ़ाई को कढ़ाई बना रहे, ये कैसी बातें करती तू यार? तेरे कमेंट्स भी खतरनाक होते हैं। करुणा शर्मा कौन है, तू जानती है करुणा शर्मा को? तो किसको जानती हो? लाड़े को जानती है? कितने टाइम से जानती है लाड़े को? लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? सच सच बताइयो, अरेंज मैरिज थी। वैसे तेरा शौक क्या था? देखा तो सच बोल दिया, अरे हम तो दिल की बात जान लेते बंदों की। हाँ ऐसे बंदे होने चाहिए ना, ऐसे में तुम्हारे बंदे बहुत कम है ना, ऐसे में तुम्हारे बंदे बहुत कम है जो बस दिल में दिमाग में। तो आज बन रही है कढ़ाई, कढ़ाई बोले तो हलवा, सूजी का हलवा तैयार होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है सूजी का हलवा तैयार होकर पूजा में चढ़ाया जाता है, और ये शुरुआत जो है ये हर किसी के घर से होती है, क्योंकि कभी भी आपको निवेद चढ़ाना हो, प्रसाद चढ़ाना हो, तो सबसे पहले चाहे गांव की बात हो शहर की बात हो, स्टार्टर जो शुरुआत होती है वो होती है हलवे से। तो हलवा तो बनने का जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़िया हलवा बनता है, और बोलने की बात क्या है इसमें, चूल्हे में तो कोई भी खाना बना लो टेस्टी बनता है। हाँ पापा, तो अभी इस तरह की जोर शोरों से तैयारी है, और इसने क्लियर कर दिया कि काश मेरी लव मैरिज होती, क्यों है ना स्टेट फॉरवर्ड बंदी, तो वैसे एक तू ही है जो सच बताऊँ तो मुंह पे तो बोलती है कम से कम, कई बंदे तो जीव दे रखो है बस काम निकालो है, ठीक है। तो आज जो है राजमा, क्या क्या बन रहे भाई? राजमा मटर पनीर तो बन नहीं रहा, मटर पनीर तो बन नहीं रहा, झूठ बोल रहे, मटर पनीर तो बन नहीं रहा, मटर शाही पनीर तो बन मुकर रहे थी। तो हमारे ताऊ जी आए हैं, बुटियारा काम करना है, ताऊ जी असर बुटियारा काम करो इतनी, तो मैं ले जाता हूँ बाहर की तरफ। हाँ गंजी तो अभी सिलेंडर को मैं उठा के लेके आया नीचे से, ठीक है, काफ़ी नीचे से गया था, और दिखाता हूँ आपको किस तरीके की तैयारी हो रही है। हमारे जो है ताऊ जी आए हुए हैं, और ताऊ जी जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं हमारे, मतलब गांव में बूटियाँ बनाने का काम करते हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है इस करके थोड़ा सा इसको कवर किया है। पापा इसको अंदर ले जाओ मोरे को,
काम मिल जाता। तो पापा भी जो है काम कर रहे हैं। और ये ताऊ जी बना के आ रहे हैं, है ताऊ क्या लग रहे बनाने? चूल्हा? अच्छा चूल्हा बन रहा है, चूल्हा। हाँ हाँ जी, ताऊ चूल्हा बना रहे हो ना? ये है ताऊ मेरे जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बुटेरा भी काम करो है, और अभी जो है तैयारी हो रही है चूल्हा बनाने की। हाँ ताऊ, राजमा क्या क्या बन रहा है? मटर पनीर भी बन रहा है क्या? हाँ किसको? पापा 10 रुपए देने पड़ने मेरे को, रुको। अच्छा राजमा, कड़ी, चावल, चपाती, चार आइटम। और मीठा क्या बन रहा है? मीठी ब्रेड। अच्छा मीठा ब्रेड, मतलब मीठा डेजर्ट में जो बन रहा है वो बन रहा है शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा बोलते ताऊ? ये देसी ब्रेड है। तो ये है अरबी का पत्ता। तो ये ताऊ ने बना दी ईटों का चूल्हा, यानी जुगाड़ बोल सकते हैं ताऊ जी इसको। क्यों बारिश नहीं होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। लो ताऊ, ताऊ बना रहे हैं अरबी के पकौड़े। अच्छा अरबी के पकोड़े, अरबी के पत्तों से बनता है पकोड़े। तो उसके कैसे पकोड़े बने? सोपटे बने हुए, बढ़िया बने हुए। कड़ी को बनते हैं? अच्छा कड़ी के लिए खाने को। अच्छा अच्छा, तो जब कड़ी पकोड़ा जो है नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग आलू टमाटर सॉरी आलू गोभी और पालक के बनते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरबी के पत्तों से पकोड़े बना रहा हूँ कड़ी में डालना। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं कि टेस्ट आता है। चीलना था? है? ये हाँ चील लूँगा मैं दो। तो मैं थोड़ा सा इस काम को कर लेता हूँ और आगे का देखते क्या बनता क्या नहीं। तो आलू जो है उबाले जाएंगे इसमें, और इसमें मिट्टी इस करके लगाई ताकि चूल्हे के ऊपर इसमें मतलब काला ना हो, इस करके इसके में मिट्टी लगाई गई है। लो ताऊ, पानी भरूँ उसको मैं? एक बाल्टी पानी। आलू है इसमें, आलू ले जाते जरा बॉयल करने के लिए। ढक्कन शक्ल से देखने की तो बेवकूफ लग हुए थे, है दिमाग वाली। क्यों देख ताकि मत उड़ दी गई दिमाग के चक्कर में गई वो देख ले कर दे बंद। पापा ये किस चीज के पत्ते हैं? है बाथू। ये किस में डालना? अच्छा बाथू, बाथू प्लस अरबी है ना। अच्छा इसमें मिक्स करके तब पकौड़े बनेंगे, बाथू प्लस ये अपना अरबी पत्ता। अच्छा पापा भी गांव में आ गए ना, गांव की तरह ढल जाते हैं बिल्कुल। तो बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चली हुई, अरबी के पत्ते प्लस बाथू, और इनके जो है पकौड़े बनाए जाएंगे कड़ी में डालने के लिए। तो 13 अगस्त 2021 का ब्लॉग है ये। तो मैं आजकल दो पली 24 घंटे में, इसलिए अगर मैं 24 घंटे में इसलिए पूरी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो होती है, तो इस करके मैं पार्ट वन पार्ट टू में डालता हूँ ताकि आप लोग खुद भी इंजॉय कर सको बारिश का मौसम है। तूने तो उल्टा तावा रखा था वहाँ पर कि बारिश नहीं आएगी। इसने क्या किया कलाकारी, वहाँ देखो उल्टा तावा दिख रहा आपको, वहाँ पर इसने उल्टा तावा रखा हुआ वहाँ पर और बोली बारिश नहीं आएगी, और जैसे इसने उल्टा तावा रखा वैसे ही बारिश आनी शुरू हुई। हाँ और ये चाह रही है बारिश ना हो, बारिश आएगी। हाँ नहीं आएगी। तो बारिश की बारिश पर खाना कहाँ बनेगा? खाना बन जाएगा, किसान भूखा नहीं मरना चाहिए, तेरे को पता है? आई समझ में? ये ध्यान रखियो बारिश नहीं होगी, इतने लोगों ने नीचे किसी ने मक्की बोई है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई आलू, वो कहाँ जाएगा? हमारा क्या है, तो एक घंटे का काम है, खाना बन जाएगा। इसमें क्या बन रहा है ना, मैनेज हो रहा है ना सब कुछ, तो अब हम अपने इसके चक्कर में क्या वो कर ले, टकला ऐसी रहेगा। थोड़ा बारिश ने प्रोग्राम थोड़ा स्लो कर दिया, लेकिन बारिश भी जरूरी थी, जैसा आपको पता है किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, तो इतना तो हम भी झेल सकते हैं, खाना पीना 10-15, 10-12 लोगों का है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब बारिश स्टॉप होगी उसके बाद ही आगे का जो काम है चलाया जाएगा। फिलहाल पापा देखते हैं प्याज का ही खाते हैं। ताऊ जी बोल रहे हैं कि से जावड़ी लगनी, जावड़ी गड़ों का लगनी थी, बाथू मिक्स करता था ये सब कुछ ही। अच्छा, तो ये ही बना के पत्ते ले आओ। है मिर्ची? हाँ मिर्च के पत्ते। मिर्च के पत्ते कहाँ हैं? अच्छा मिर्च के पत्ते के पराठे बनते हैं।
खतरनाक बूंदी है भाई, ये तो बहुत खतरनाक बूंदी है। तो चलो मिर्च के पत्ते लेके आता हूँ मैं, जरा मिर्च के पत्तों में बुरी की मिर्च के पत्तों के पराठे बनाती हूँ मैं। चलो मिर्च के पत्ते ले लेते हैं। मिर्च के पत्ते जो है घर के बिल्कुल बाहर लगे हैं, तो अप्पा जरा निकाल लिए मिर्च के पत्ते। मिर्च के पत्ते तो यही है फिर, इसका मतलब मिर्च के पत्ते की पराठे बोल रही है, तो फिर ले चलते हैं भाई। मिर्च के पत्ते निकाल के बतेरे हैं। मिर्च के पत्तों के पराठे मैं खुद पहली बार खा रहा हूँ, क्योंकि भावना बना रही है। अब लगेगा पता कि मिर्च के पत्ते कैसे बनते हैं कैसे नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मिर्च के पत्तों का, तो मैं लेके जा रहा हूँ मिर्च के पत्ते लेके। मिर्च के पत्तों के पराठे बनेंगे। बारिश अभी भी चली है जोरों शोरों से, गिदिड़ा ब्याह वीरा आ जाओ पंडित जी। तो फाइनली जो है हमारे कुल पुरोहित जी आ चुके हैं, और हम पंडित जी का बड़ी देरी से वेट कर रहे थे, और पंडित जी अब आए। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ी सी बांधा जो है देखने को मिली। क्यों पंडित जी, बांधा थोड़ी सी देखने को मिली? बांधा या बाधा? बंदा सामने बैठा आराम से बैठा। पंडित जी बोले कि बंदा बिल्कुल सामने बैठा है, बिल्कुल आराम से बैठे। पंडित जी मत्था टेकूं कि मत्था टेकने में देता दूर से। तो ये हमारे पंडित जी कुल पुरोहित जी जो आ चुके हैं। मोरी पंडित जी को जय करो, पापा जय करो, जय पहले पंडित जी को जय करो, जय करो। देख देख दादी कैसे जय कर रहे, करो अब जय करो। पंडित जी जय कर दीजिए आपको, जय जय करो दोबारा करके दिखाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो। पहले देख ले कि ये मिर्च के पत्ते कुछ हो रही तो नहीं ले आया चक्की क्या है? क्या फिरेंगे मरोड़ मरोड़ नहीं फिरने चाहिए हो? तू ही कलाकार बनी हुई, तू नहीं बोला कि आज मिर्च के पत्तों की तुम्हारे को पराठा खिलाती हूँ मैं? तो ये इसका भावना का एक्सपीरियंस है। भावना बोली कि आज मैं भैया आपको मिर्च के पराठे खिलाती हूँ, मिर्च के पत्तों के। वैसे ऐसा नहीं है, काम वाली है वैसे तो, बस बढ़िया। जयनगर साइड हो रही बंदी है, जो जो मेरे ब्लॉग देखते हो काफ़ी खुश होंगे कि जयनगर ही बंदी इतनी बसी रही है। नहीं टमाटर तय तो टमाटर टमोटर प्याज कुछ कुछ नहीं दिए, लहसुन उसे आ सके तो तू दें दी नहीं। मैं लेके आ गया था, मैं वहाँ जयनगर का हमारे भैया है वहाँ ना, वो लेके आ गया था उस टाइम प्याज पूछ लहसुन लहसुन बड़े बड़े हमारे को। क्या ऐसे काट दे हाथ उसे काट दे उसको भाई। तो पंडित जी आ चुके हैं। ये क्या भाभी राजमा बन रहे हैं? अच्छा ये राजमा बन रहे हैं। तो देते हैं पंडित जी को पानी। लो पंडित जी ये, पंडित जी के गिलास में तूने वो पत्ता लगा दिया था मिर्च का। लाली बोले ये क्या 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 ग्रीन टी। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ, आपको दिखा दिए भाभी इस कमरे में है। पंडित जी आ चुके हैं बाहर, मैं वाइपर लगा चुका हूँ। पापा कड़ी सॉरी अपना अरबी के पत्ते वगैरह काट रहे हैं, और प्रिपरेशन तैयारी जोरों शोरों से चली हुई। फिलहाल इस वीडियो को अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे का जो भी बन पाएगा वो मैं आगे का शूट करूँगा। थोड़ा सा बाहर का माहौल देख लेते हैं क्या हुआ है। बारिश हो रही है नहीं हो रही है, वाइपर मारा जाए नहीं मारा जाए, उल्टा तवा से यहाँ रखा था, बारिश कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अच्छा हुआ बारिश होगी, काफ़ी ज़रूरी थी। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं यहाँ वाइपर मार देता हूँ, ठीक है उस आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम मिला मुझे काम करने का, धूप निकली तो काम कर लेता हूँ, फिर मैं ब्लॉग बना। कभी आप लोगों ने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा है, धूप और बारिश, धूप और बारिश। देखो यहाँ धूप खिली भी है ना, यहाँ धूप आई भी है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो कहावत है, हमारे पुराने बुजुर्ग बोला करते हैं कि जब बारिश और धूप इकट्ठी हो तो बोलते हैं कि गिद्धड़ों की शादी हो रही है, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं, पूछता हूँ पापा से कि ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो आप लोगों को दोनों चीज़ देखने को मिल जाएगी, बारिश और धूप, ठीक है। एक तरह बारिश हुई एक तरह धूप। तो लोकल भाषा में बोला कि जब गिदड़ी और ब्याह हुआ ना तेवे बरखा और धूप निकल हुई। तो मैं अब जानता हूँ पापा से, पापा ये सही बात है जब धूप और बारिश होती तो गिदड़ेरा ब्याह हुआ है? पुराने बुजुर्ग बोल के गए ना, है कहावत है। तो ये कहावत है, पापा का बोलने का मतलब यही है कि कहावत ये बड़ी जोरों शोरों से ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि भैया और भाभी तो करेंगे, उनका फास्ट है क्योंकि आज उनके बच्चे का नामकरण है। तो बारिश दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं यहाँ वाइपर मार रहा था ताकि पानी पानी हो गया था बहुत ज़्यादा, इसी से बहाने धूल भी गया। एलेक्स को रखने का हमने जुगाड़ बनाया था यहाँ पर,
लेकिन फिर भी इतनी तेज बारिश आ रही थी, हवा क्योंकि हवा चली हुई थी और बारिश का जो डायरेक्शन जो ना चेंज हो रही थी, तो हम एलेक्स को अंदर हॉल में रह गए, पहले उसको यहाँ बांधा था हम लोगों ने। अब पंडित जी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, पंडित जी का ही यहाँ वेट किया जा रहा है, पंडित जी आ जाते तो बढ़िया थी। चलो इससे ही जान लेते भावना को, उसको ज़्यादा ही नॉलेज है ना, ये ज़्यादा तेज बनती है अपने को। अच्छा एक बात बता, इतनी ये कहावत है कि बोलो है कि जब धूप और बारिश इकट्ठी हो तो गिदड़ियों का ब्याह हुआ, यह बोलो है सच है ये? पापा तो बोल रहे कहावत है ये, क्योंकि ये ज़्यादा कमेंट्स करती है मेरे को, सोचा क्या पता ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि इसको आदत है ना मुझे, मैं इसको आदत है पोक करने की। मैं कोई पोक पाक नहीं करती नहीं पोक पाक क्यों, पोक क्यों नहीं करती, छेड़ती मुझे, चुंगल देती कि जलाती मेरे को क्यों है, अच्छा एक बात है कहावत है सच में देखा तो मैंने भी नहीं कभी। अच्छा पिताजी आ रहे अभी, अच्छा हाँ पिताजी, पिताजी से जानूंगा, अभी हमारे सबसे बड़े वाले पिताजी आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली के वही बुजुर्ग है, उन्होंने अपना टाइम निकाला हुआ है गांव में, तो उनसे बात करके पता लगेगा कि ये सच है सही।